नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। ग्राम रामसिया में सियाकों की झाड़ी में रास्ते में खड़े बिजली के पोल को दीवार के पास शिफ्ट करवाने को लेकर ग्रामीणों ने जनसुनवाई के दौरान उपखंड अधिकारी सुनील कुमार चौधरी को ज्ञापन देकर तत्काल समस्या के समाधान की मांग की। इस पर उपखंड अधिकारी ने मौके पर ही विद्युत विभाग के अधिकारियों को एक सप्ताह में समस्या समाधान के निर्देश दिए। सियारों की झाड़ी रामसिया के नागरिकों ने बताया कि सियारों की झाड़ी कि आबादी में रास्ता 13 फीट चौड़ाई का रखा हुआ है। दोनों तरफ पक्के मकान बने हैं। एक पोल इस रास्ते में जवानाराम पुत्र गोविंदराम जाट के घर के पास दीवार को छोड़कर 3 फीट रास्ते में गड़ा हुआ है। बाकी फिर से 10 फीट ही रास्ता रहने से वहां बड़े व्हीकल, पिकअप गाड़ी, ट्रैक्टर, चारे की माल से भरी हुई गाड़ी उधर से नहीं निकल सकती। इस कारण इस पोल को किसी भी तरह दीवार के पास शिफ्ट करने को कहा तो जवानाराम ने मना कर दिया, पोल शिफ्ट नहीं होगा। इस पर सभी झाड़ी वाले अधिशासी अभियंता विद्युत निगम मकराना में प्रार्थना पत्र दिया तो उन्होंने इस पोल को रास्ते से हटाकर दीवार के पास लगाने के लिए कनिष्ठ सहायक अभियंता गच्छीपुरा को लिखा तो उन्होंने लाइनमैन के साथ ठेकेदार को मौके पर विद्युत पोल शिफ्ट करने भेजा, लेकिन वो भी नाकाम रहे। ग्रामीणों ने बताया कि जवानाराम ने प्रशासन के समक्ष झूठे तथ्य रखे। हम तो रास्ते का अवरोध हटाना चाहते हैं ताकि उधर से निकलने वाले वाहनों को सुविधा हो सके, और मोड़ पड़ता है जिससे छोटे वाहन भी बड़ी मुश्किल से निकल पाते हैं। इसका वीडियो भी ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को पेश किया। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि सार्वजनिक हित का उपयोग किए जाने वाले रास्ते का अवरोध हटाने का मामला है, इस पर संज्ञान लेकर सही जगह पर दीवार के पास शिफ्ट करवाने में सहायता करवाएं। पोल की अड़चन के कारण पब्लिक बहुत परेशान है। वो पोल दीवार से रास्ते में 3-4 फुट आए हुए थे तो हमने प्रशासन को 1 महीना हो गए बहुत परेशान कर दिए सर। अभी तक उनको रात नहीं मिली हमारे को। अभी आप एसडीएम साहब से मिले, ज्ञापन दिया आपने, क्या अधिकारी? हम एसडीएम साहब से मिले, यहाँ पर प्रधान जी साहब थे, कलेक्टर साहब थे, सब मौजूदा प्रशासन थे।